जय श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। प्रभु, आप अपनी लीला से ही अनेकों रूप धारण कर लेते हैं और देवता, साधु तथा लोक मर्यादाओं का पालन पोषण करते हैं। साथ ही उन मार्ग गामी और हिंसक असुरों का संहार भी करते हैं। आपका यह अवतार पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही हुआ है। प्रभु, आपके शांत, उग्र और अत्यंत भयानक दुस्सह तेज ज्वर से मैं अत्यंत संतप्त हो रहा हूँ। भगवान, देहधारी जीवों को तभी तक ताप संताप रहता है जब तक वे अशोक आशा के फंदों में फंसे रहने के कारण आपके चरण कमलों की शरण नहीं ग्रहण करते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, त्रिशिरा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरे ज्वर से निर्भय हो जाओ। संसार में जो कोई हम दोनों के संवाद का स्मरण करेगा, उसे तुमसे कोई भय ना रहेगा। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर महेश्वर ज्वर उन्हें प्रणाम करके चला गया। तब तक बानासुर रथ पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए फिर आ पहुंचा। परीक्षित बानासुर ने अपने 1,000 हाथों में तरह तरह के हथियार ले रखे थे। अब वह अत्यंत क्रोध में भर कर चक्रपाणि भगवान पर बाणों की वर्षा करने लगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बानासुर ने तो बाणों की झड़ी लगा दी है, तब वे छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से उसकी भुजाएं काटने लगे, मानो कोई किसी वृक्ष की छोटी छोटी डालियां काट रहा हो। जब भक्तवत्सल भगवान शंकर ने देखा कि बानासुर की भुजाएं कट रही हैं, तब वे चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के पास आए और स्तुति करने लगे। भगवान शंकर ने कहा, प्रभु, आप वेद मंत्रों में तात्पर्य रूप से छिपे हुए परम ज्योति स्वरूप परम ब्रह्मा हैं। शुद्ध हृदय महात्मा गण आपके आकाश के समान सर्वव्यापक और निर्विकार निर्लेप स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। आकाश आपकी नाभि है, अग्नि मुख है और जल वीर्य, स्वर्ग सिर, दिशाएं कान और पृथ्वी चरण है, चंद्रमा मन, सूर्य नेत्र और मैं शिव आपका अहंकार हूँ। समुद्र आपका पेट है और इंद्र भुजा। धान्य आदि औषधियाँ रोम है, मेघ केश है और ब्रह्मा बुद्धि प्रजापति लिंग है और धर्म हृदय। इस प्रकार समस्त लोक और लोकांतरों के साथ जिसके शरीर की तुलना की जाती है, वे परम पुरुष आप ही हैं। अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मन, आपका यह अवतार धर्म की रक्षा और संसार के अभ्युदय अभिवृत्ति के लिए हुआ है। हम सब भी आपके प्रभाव से ही प्रभावान्विता होकर सातों भुवनों का पालन करते हैं। आप सजातीय, विजातीय और
स्वभावत भेद से रहित हैं, एक और अद्वितीय आदि पुरुष हैं। मायाकृत जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं में अनुगत और उनसे अतीत तुरीय तत्व भी आप ही हैं। आप किसी दूसरी वस्तु के द्वारा प्रकाशित नहीं होते, स्वयं प्रकाश हैं। आप सबके कारण हैं, परंतु आपका ना तो कोई कारण है और ना तो आप में कारण पना ही है। भगवान, ऐसा होने पर भी आप तीनों गुणों की विभिन्न विषमताओं को प्रकाशित करने के लिए अपनी माया से देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि शरीर के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में प्रतीत होते हैं। प्रभु, जैसे सूर्य अपनी छाया बादलों से ही ढक जाता है और उन बादलों तथा विभिन्न रूपों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आप तो स्वयं प्रकाश हैं, परंतु गुणों के द्वारा मानो ढक से जाते हैं और समस्त गुणों तथा गुणा भी मानी जीवों को प्रकाशित करते हैं। वास्तव में आप अनंत हैं। भगवान, आपकी माया से मोहित होकर लोग स्त्री, पुत्र, देह, गेह आदि में आसक्त हो जाते हैं और फिर दुख के अपार सागर में डूबने उतराने लगते हैं। संसार के मानवों को यह मनुष्य शरीर अपने अत्यंत कृपा करके दिया है। जो पुरुष इसे पाकर भी अपनी इंद्रियों को बस में नहीं करता और आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता, उनका सेवन नहीं करता, उसका जीवन अत्यंत शोचनीय है और वह स्वयं अपने आप को धोखा दे रहा है। प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्मा, प्रियतम और ईश्वर हैं। जो मृत्यु का ग्रास मनुष्य आपको छोड़ देता है और अनंतम दुख रूप एवं तुच्छ विषयों में सुख बुद्धि करके उनके पीछे भटकता है, वह इतना मूर्ख है कि अमृत को छोड़कर विष पी रहा है।